दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा। देखिए दोस्तों, अभी हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुई थी, आपने देखा होगा, आपने टीवी के चैनलों पर सुना होगा, वहाँ एक धर्म विशेष को काटने की बात होती है, एक समुदाय को काटने की बात होती है। कौन था वो समुदाय जिसके काटने की बात हो रही थी? वो मुसलमान थे। कुछ हिंदुत्व का चोला पहने आतंकवादी उस धर्म संसद में एक समुदाय को काटने की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे इस्लाम में न खुद मानने की इजाजत है, न किसी को मानने की इजाजत है, है या नहीं? न खुद मानने की इजाजत है, न किसी को मानने की इजाजत है, लेकिन जालिम जब जुल्म हद पार कर जाए तो उसे, समझ गए? आपकी सभा में नारा लगा है बाबर जैसा शासन होगा भारत में, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नारा लगा था और बाबर कोई गलत नहीं था, बाबर जैसा शासन होना चाहिए। जैसे जैसे हालात चल रहे हैं, एक समुदाय को काटने की बात होती है धर्म संसदों में, दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उसी को लेकर हम लोग एक नुक्कड़ सभा थी जो हम बोल रहे थे कि भाई अगर दलित और मुस्लिम मिल जाए तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री अपना बन जाए तो फिर ये दबे कुचले जो लोग हैं इन पर अत्याचार नहीं होगा। इसको लेकर हमने एक नुक्कड़ मीटिंग की थी और दलित भी साथ हैं हमारे और मुसलमान भी साथ हैं और इंशाल्लाह ये दिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन नहीं होगा, ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इंसाफ होगा, संविधान के दायरे में रहकर इंसाफ होगा और बाबर जैसा राज होगा। आपका क्या हुआ है? जी, मेरा नाम गुफरान नूर है और अलीगढ़ से MIM से जिला अध्यक्ष हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले एक जनसभा की थी मैंने, नुक्कड़ मीटिंग की थी, उसमें मैंने अपनी तरफ से नारा लगाया था कि हिंदू दलित मुस्लिम साथ चलेगा। तो पब्लिक थी, पब्लिक का क्या वो है मिजाज अब हमें क्या पता है, तो हमने कहा, हम तो कहना चाह रहे थे कि भाई संविधान का राज चलेगा, लेकिन पब्लिक ने कि बाबर का राज चलेगा, ये था। तो इसी उसको लेकर इशू बना दिया गया। तो देखिए, मैं बाबर के राज की तो आपने पहले ही बात कही थी। नहीं, बाबर के राज की बात की थी, लेकिन कोई बाबर मतलब ये नहीं था कि भाई, हमने संविधान की भी बात करी थी कि भाई संविधान के दायरे में रहकर ये सब चीज़ होनी चाहिए और निकालने का, पदमुक्त करने का उनका अपना क्या वो है। देखिए, हमारे सदर साहब ओवैसी साहब डेमोक्रेसी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर होनी, हम चाहते हैं कि वही पार्टी के अंदर होनी चाहिए, हैं, आज़ादी होनी चाहिए बोलने के लिए। तो क्या MIM में बोलने की आज़ादी नहीं है? नहीं, अब उससे तो लगता कि भाई जैसे मुझे पदमुक्त किया गया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। पूर्व में सूचना दी थी आपको या नहीं? नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं दी थी, सीधा मेरे पास लेटर आया था और लेटर भी फिर भी मैंने अपने पास रखा, लेकिन जो ऑफिशियल जो ग्रुप होता है हमारा उत्तर प्रदेश का, उसमें से किसी प्रदेश के लोगों ने निकाल के उसे वायरल किया। मैं समझौता करना चाहता था, मैंने भी सारी चीज़ें एप्लीकेशन भेजी थी, रिक्वेस्ट की थी, सारी चीज़ें हुई थी, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मेरा क्या, मैंने कितनी मेहनत की अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ की आवाम जानती है मुझे, मैंने दुख तकलीफ नहीं देखी, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा, 3.5 साल मैंने इतना मेहनत करके पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। जैसे असदुद्दीन ओवैसी खुल के बोलते हैं, तो क्या उनके सिवा दूसरा कोई नहीं बोल सकता पार्टी में? सर, ये तो है नहीं, लेकिन मुझे जो इन्होंने पदमुक्त किया है तो मुझे दिल तो दुखा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि भाई और पार्टियों में जैसे हो रहा है ऐसा हमारी पार्टी में ना हो।